ना सिर्फ शॉर्ट टर्म बल्कि हमें 5 साल मिनिमम एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए हमें कि हम किस तरह स्पोर्ट्स एनहांस कर सकते हैं। उसके कई एस्पेक्ट्स हैं, सबसे पहले तो हमें चैलेंज है गेम स्टैंडर्डाइजेशन का, जो हमें स्पोर्ट्स सर्टिफिकेशन देनी होती है। तो यूरोप का एक पूरी मार्केट आपके बंद हो जाती है, जो सी मार्क हमारे पास नहीं है, और बहुत से इंडस्ट्री ओनर्स हैं वो खाते हैं, बहुत ही टफ प्रोसेस है, स्पेशली और रेगुलेशन है। तो अब हमने 5 मंथों की हमने करवा दिया है, तो सी मार्क करवा दिए, इस तरह कुछ 3-4 इंडस्ट्रीज पर काम किया है। तो हम इस पर वर्किंग करेंगे कि जो भी मोस्ट इंटरेस्टेड हैं इंडस्ट्री ओनर, हम उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करेंगे, हम लैब्स मिलकर कोई क्लस्टर बना के नेगोशिएट करेंगे कि हमें इंटरेस्टिंग हमें प्रोजेक्शन मिले। सेकेंडली कुछ हम करेंगे वर्किंग विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, जो कमर्शियल काउंसलर्स हैं पूरी दुनिया में, मुझे ये फीलिंग आती है कि वो भी स्पोर्ट्स में हमारी मदद ही करें। हम जब इंडिया के साथ चाइना के साथ कम्पीट करते हैं, जिसमें उनकी कॉमर्स या उनकी फैक्ट्रीज आती हैं, कंपनीज आती हैं, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके कमर्शियल काउंसलर्स हैं, उनके मार्केट इन्फॉर्मेशन देते हैं, सर्विस कराते हैं, और हर तरह से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और हम तो अंधेरे में इतना से किसी गए मुल्क पर खुद ही जाके विजिट भी किया, खुद ही बैठा भी बैठा किया। तो जब तक हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट ना हो, खूब जो फॉरन ट्रेड डिपार्टमेंट एक मिलते हैं जिसका कमर्शियल काउंसलर हैं, वो हमें इसमें एसेस ना करें, तो जिस तरह की ग्रोथ में चाह रहे हैं वो हम नहीं। और ये $6.3 बिलियन इंडस्ट्री है 2021 के फिगर्स हैं, और पिछले 5 साल का हमें फिगर है 8% बहुत ह्यूज इसमें अपॉर्चुनिटी है। और अगर हम इसका 9% 4-5% टारगेट कर रहे हैं तो हमारी इंडस्ट्री के हाथ बदल सकते हैं। तो इसमें मैं जितने भी सबक चेयरमैन हैं इस वक्त सेल्स एंड मार्केटिंग में खड़े हैं, उनके साथ काम करूँगा और कोशिश करूँगा कि जो नीड्स है इंडस्ट्री की उसको हम पूरा करें। तो आखिर मेरे से बहुत लंबी है, मैं ज़्यादा दूँगा एक आखिरी बात जरूर करूँगा कि जो इंडस्ट्री कोई भी एसोसिएशन है वो जब तक कम्युनिटी एक्टिव ना हो वो आई थिंक उस तरह नहीं एक्टिवली परफॉर्म कर सकती। मेरे नज़दीक एक अच्छा एसोसिएशन वो है जिसमें चेयरमैन हों या कोई भी अपने काम हो, सिर्फ ऑनरी रेगुलेशन उनके वर्किंग मेम्बर्स एक्टिव हों, वो भी आए उनकी वर्किंग में फर्क ना पड़े।